काम नहीं क्या करी जीजू कितनी सिगरेट फूकनी होगी जितनी मैंने कहा क्या बोल रही है ऐसा क्या बोल रही है कि तुम मेरे साथ चलने में शर्मा दो तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है सुनो हम जा रहे हैं तुम तैयारी करो रेडी हो जाओ तब तक मैं बच्चों को खिला के लाता हूँ चाउमीन मोमो ब्लॉग एडिट कर रहे हो एक बच्ची वहाँ कैसे भूखी रखी हो क्यों भमक रही है क्यों नाच रही है वो नाचने में लगी है तुमसे मैं बच्चों को मोमो खिला के ले आता हूँ चलो बच्चों हाँ हाँ बच्चे ही तो हैं जीजू हाथ पकड़ो चल छोटी चल रीलिया बनाने दे रुको चल बोलना था नहीं है ये कर रही है क्या ये कर रही है रीलिया बनाने दे रही हो आप होना मत है पीछे 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 चलो मेरे दोस्तों संदीप जी मुझसे कह रहे हैं तुम एवरेज हो मैं एवरेज हूँ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ करण मेरे को एक राय बताई कि कैसी लड़की ढूंढेगा तू कॉलेज में मेरे यार ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई भी नहीं होनी चाहिए लो भी नहीं होनी चाहिए मेरी लड़की बटानी चाहिए एक बार बताओ मैंने इनको बोला मैंने कहा संदीप जी तूने बोला कि क्या संदीप पहले आप ऐसे थे करके कैजुअल डेटिंग वगैरह करते थे तो ये क्या कह रहे हैं नहीं कैजुअल डेटिंग नहीं मैंने सोचा स्विमिंग पूल के ट्यूबवेल से काम चलाना पड़ेगा मैंने सोचा शायद मैंने कहा इनको मैं मिल गई थी तो इनको लगा कि चलो अब मेरे सपनों की परी मुझे मिल गई अब मुझे दूसरी ढूंढने की क्या जरूरत है क्या कह रहे हैं मैंने सोचा बस स्विमिंग पूल तो नहीं ट्यूबवेल से काम चलाना पड़ेगा कितने गंदे हो वो तो फिर ट्यूबवेल का पानी कितना शुद्ध होता है स्विमिंग पूल में हम रोज नहा सकते हैं काले पड़ जाऊंगा मैं बता बातों से जीतना और उसमें टॉयलेट करते हैं लोग ट्यूबवेल में करते हैं हालांकि उसमें कपड़े धोते हैं लेकिन वो पानी तो बह जाता है ना कम से कम रुका हुआ पानी तो नहीं है पानी भी तो पीते हैं ट्यूबवेल का स्विमिंग पूल का पानी आप मुझसे एवरेज भी तो बोल रहे थे ना तो करण सही कह रहे हैं कि एवरेज लड़की पटाओ पर मैं एक चीज में मार खा के बुद्धि में भी मार खा गया बुद्धि भी एवरेज हूँ मैं एवरेज हूँ तेरी दीदी एवरेज है नो कमेंट्स करण कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि करण किसी की साइड नहीं लेना चाहता है बताओ कैरी समझ गई मैं एवरेज हूँ बेबो एक्सेप्ट करो एवरेज हूँ या नहीं हूँ अब जैसी भी है तो ये है क्या करे अरे बाप रे इतनी खतरनाक बात कर मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया और वो भी 35 साल का बुढ़ा मिल गया 35 साल का होना निकला है अगर मुझे एवरेज बोल रहे हो तो आप भी बुढ़े ही हो अच्छा चल चल हो तुम्हें अपनी बहन को होंगी ना अपनी बहन को ही मंजूर रहती हूँ मैं हमेशा तुम्हें कभी मंजूर नहीं रहने वाली मैं एवरेज हूँ ना बेबो तुमसे यही उम्मीद है कबाब में हड्डी है इसको मैंने गोद ले रखा है गाना मत गा बेको कॉपीराइट उसके एक में किसी ने कमेंट कर रखा है बहनें ऐसी होती हैं ये वो तो तुमने उसका नाम कबाब में हड्डी रख दिया उसकी बिना तुम्हारा मन भी तो नहीं लगता है कॉमेडी करती है वो असली में मैं इसको क्यों लेके घूमता हूँ बताऊँ दिखा देगा हमने क्यों लेके घूमता हूँ सच्चाई बता दे बैठ गया बैठ गया अब बता मैं इसको क्यों लेके घूमता हूँ हर जगह बताओ क्योंकि इसकी दीदी मेरा सर दर्द करती है सर ठीक करती है ये देख क्यों झूठ झूठ बोलते सच सच बताओ आपको मैं अच्छी नहीं लगती हाँ हाँ तभी तो इसको लेके घूम रहा हूँ आपने मुझे एवरेज बोला आपने मुझे एवरेज बोला कामनो इन्होंने मुझे एवरेज बोला तुम अबव एवरेज हो बस मैं बेस्ट नहीं हूँ क्या तभी तो अबव एवरेज मतलब मैं बेस्ट नहीं हूँ अब बेस्ट क्या करना है कोई बात नहीं चलो चल रहे ये देखिए छपरी को ये छपरी अभी हम आए हैं एम्बियंस मॉल अभी भूख लग रही है कुछ खाने चलते हैं क्या खाई रे जो तू खाएगी है जो तू खाएगी जो मैं खाऊंगी तो क्यों तुम मैं तेरी इंस्पिरेशन है और मैं तेरी क्या हूँ अगर मैं वो खाऊंगा तो भी वही खाएगी हाँ तो वही नहीं वो नहीं बोलती वो जीजू बोलते मैं नहीं बोलती जिसकी तू बात कर रही है बट वो ऐसा क्यों है कि तू जो मैं खाती हूँ वही खाते रहती है ज्यादा आइडिया नहीं है मतलब तू अच्छा ही खाएगी मतलब मेरा टेस्ट तेरे को पसंद है हाँ तो मैं क्यों नहीं पसंद मेरे से क्यों लड़ते रहती है 24 घंटे हाँ लड़ती है बेटा मेरे को पता है ये सस्ता होता है चल देख लेते जाकर देख लेते हैं कितना सस्ता है चलो रैंडमली एक ड्रेस उठाते हैं यहाँ से ये कितना रेट है वे इसका 3600 कामनी लगा कुछ सस्ता है यहाँ पे जीजू कह रहे थे पिछली बार आए थे मैंने कहा जीजू कह रहे थे जीजू ने कह दिया तो बस मान लिया आपने कामनो इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है बता दो दोनों ही ठीक है लग रहा है सही अब बोल दे कैसे लग रहा है समझ नहीं आ रहा है वो ठीक ही था शायद क्यों बजे तो तेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्या अब इंटरेस्ट आने लगा है क्योंकि जीजू ने कहा था ना अच्छा है करके अब लग रहा है अच्छा धीरे धीरे जैसे जीजू भी धीरे धीरे अच्छे लगे थे वैसे ही तो दीदी ने पहली बार बोल रही हूँ तो दीदी ने शॉपिंग कर ली है पैंटलून से पहली बार नहीं करी है एक तो व्लॉगिंग करी ऊपर से करी पहली बार शॉपिंग कर दीदी ने पैंटलून शॉपिंग कर ली अब तो दोस्तों पहली बार शॉपिंग करके मेरा कुछ ज्यादा ही अच्छा दिन हो गया और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई पहली बार शॉपिंग हमें जिंदा यूट्यूबर हो हमें जिंदा यूट्यूबर हो पहली बार शॉपिंग करने की खुशी में देखो मैगडी खिलाती हूँ मैं बाप रे इतनी देर से खड़ी थी मैं लाइन में कब के डिस्प्ले कर दिया था मेरा ऑर्डर आ गया है गुड़गांव की एमएस मॉल में होता है इतनी भीड़ रहती है ना जहाँ पे भीड़ नहीं होती है वहाँ पे अच्छा होता है बट जहाँ पे भीड़ होती है ना वहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है मिली शांति
आधे घंटे से भीड़ में खड़ी थी मैं, मेरे पैरों में दर्द हो गई। अब जाके शांति मिल रही है, बर्गर खाके फाइनली। अब आ रहे हो आप अपने दोस्त के पास चले गए थे ना, जाओ उन्हीं के पास जाओ। यहाँ क्यों आए हो? ऐसे इग्नोर कर रहे थे उनके सामने मेरे को। मैं तुम्हें राक्षसों से दूर रखना चाहता हूँ। हाँ मैं या तो ये रीजन है कि तुम ऐसे दोस्तों से दूर रखना चाहती हो, या फिर ये रीजन है कि तुम मेरे साथ चलने में शर्मा दो, तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है। डैडी मैं देखो पूरा यहाँ मॉल में घूम रहा हूँ तेरे साथ। ये देखो ये फिर से शुरू हो गया काम ना इनका। मैं बोल दो मैलम कर देते हैं मैंने। और तू तो चुपे रहे, तूने मेरा फोन छोड़ दिया वहाँ पीछे वाली डेस्क में। तू बहुत तू कम है। क्या हुआ? इसने मेरी फोन छोड़ दिया पीछे डेस्क में। वो तो अच्छा हुआ कोई मेरी पहचान के फैंस थे, वो उन्होंने मेरा फोन वहाँ स्टाफ में दे दिया कि किसी का है। वो तो अच्छा जीजू ने ध्यान दिया। चुप रहो आप दोनों एक ही जैसे हो। और आप अपने दोस्त के सामने मुझे इग्नोर कर, जाओ नहीं के पास जाओ और बोले क्या खा रही है अकेले खाऊंगी मैं। कल संदीप ने क्या सीख रखा है मैक्स के साथ इतनी सारी वीडियो बना दी। पहले मैं दुखी होती हूँ उसके बाद बैठ जाती हूँ, फिर चुपचाप से मैक्स को लेके आ जाते हैं। परसों तो मैक्स इतना गुस्सा हो गया परसों वाली वीडियो में, कह रहा अरे हट 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 मैं नहीं आ रहा। ये क्या कह रही कामनी? जीजू क्या कहते हैं, क्या तुम गाना गा सकते हो मेरे लिए? मैंने हाँ कहा। हाँ तेरी जैसी साली ना मिलेगी दोबारा, ये तो रैप हो गया। तो ये गाना भी तो हुआ, गाना ये है तेरी जैसी साली ना मिलेगी दोबारा, ना चाहिए मुझे ये कबाड़ा। अच्छा, भगवान भी जिसको पैदा करके बोले ऐसा ना मिलेगा दोबारा। संदीप के लिए हैंड टू हैंड गाना कंपोज कर सकती हूँ, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि मैं जब सेल्टर हूँ मुझे ऐसा फील हो जाए जैसे मैं सो रही हूँ। क्योंकि आप लोगों ने बताया कि आलसी हो गई हूँ, बट मैं बोल रही हूँ मेरी लाइफ में स्पार्क और जो लाइट है ना वो तब आएगी जब मैं सिंगर बन जाऊंगी। मुझे सिंगर बनना है भी, वो कुछ कर। बहुत पैसा खर्च हो जाएगा मेरा। कितना पैसा खर्च हो रहा है तुम्हारा? सारी टिकटें खरीदनी पड़ जाएंगी। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं ऐसे बोलते हो? सारी टिकटें खरीदनी पड़ जाएंगी ना मुझे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं तुम्हारे लिए गाना कंपोज करूँ हैंड टू हैंड, ठीक है? मेरा तुम ले गए जब से जान जाए प्यार आए। आवाज ही नहीं आ रही इसमें। अच्छा था अगर तेरी जैसी साली ना मिलेगी दोबारा, भगवान भी हाथ जोड़ के कहे इसको पैदा करना दोबारा। ऐसा करना तुम रैप गा देना बीच में और मैं तुम्हारे लिए गाना गा दूंगी। देखो मैंने हैंड टू हैंड कैसा कंपोज किया, दिमाग घुमा के। कैसा लगा? तुमने तारीफ नहीं की। बहुत अच्छा गाया तुमने। तेरी जैसी साली ना मिलेगी दोबारा, तेरी बड़ी बहन है एक पकौड़ा। करण बस कर दे भाई, परसों लेके तेरे को चैन नहीं मिला गया। इंजन इंजन लग रहा है। मेरा नाम है तुम ब्लॉग बना रही हो? शुरू कहाँ है? कैसे लगा दोस्तों शिनचैन की वॉइस? कमेंट्स में जरूर बताना। सो क्यूट, बहुत ज्यादा क्यूट है बट कामनू ये बहुत ज्यादा। ये देखो दोस्तों ये मेरा प्यारा बेबी है। कभी अगर इनके फ्यूचर में बेबी होंगे हमारे प्यारे पेरेंट्स से तो वो यहाँ लाएंगे तो लूट ही लेंगे मेरे को, मेरी हत्या कर देंगे। अगर मम्मी में गए तो कहेंगे ये दिलाओ वो दिलाओ ये दिलाओ वो दिलाओ। तुम नहीं होगे तो भी मेरी हत्या ही होगी, वो मेरी भी हत्या ही करेंगे। बिल्कुल ये दिला मम्मी वो दिला मम्मी ये दिला। मैं मार भी नहीं सकती क्योंकि मेरे को दया आ जाती है बच्चों पे, और वो जब खुद के बच्चे हैं तो ज्यादा ही आ जाएगी। तो भाई यार मेरा खुद का कितने का है मुझे लेना है? मेरा खुद का भाई कह रहे हैं आज से 4 साल में नहीं, आज से 10 साल पहले यहाँ होता ना जीजू मैं मम्मी पापा लूट जाते, इतना महंगा होता और इसी का रेट होता था। क्यूट लग रहा है देखना। 2,499 आपके एरिया पे, विलेज एरिया पे या फिर सिटी एरिया पे कितने का मिलता है बताना जरूर गाइस। मैं तो टाउन में रहती थी तो वही सस्ता मिलता था तब के जमाने में। मैं बोलो तेल मंगलसूत्र लेकर आया बंदर वाला। सो क्यूट दोस्तों, ये मेरा साथी है, इसको मैं खरीद लूँ क्या बताओ? तो मेरे को कितना प्यारा लग रहा है। So cute, so cute. ये देखो आवाज भी कर रहे हैं डायनासोर। ये देखो पहले क्यों नहीं आए काम हम यहाँ? मैंने तो बोला सही है ना? हाँ मेरा भाई लगता था बचपन में खेलता था और मुझे देता नहीं था कभी खेलने के लिए रिमोट कंट्रोल का, कभी नहीं था। काम तेरे को तो कोई खिलौने ही नहीं मिला ना? मुझे टूटे फूटे खिलौने मिले, जो टूटे फूटे थे सब मुझे मिलते थे। कितना बुरा हुआ यार, कम से कम मुझे गुड़िया तो मिली, डॉल्स तो मिली क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी ना, इसीलिए मुझे कपड़े भी सबसे छोटे। इसकी तो बचपन की फोटोज भी क्लिक नहीं करा रखी है घर वालों ने, पैदा हुई तब से एक भी फोटो नहीं किया। मैं सबसे ऊपर फ्लोर में सिर्फ झूला झूलने के लिए, इन लोगों को लिफ्ट चाहिए। इसको संदीप झूला बोलते हैं जिसमें हम लोग ऐसे ऊपर नीचे जाते रहते हैं। ये झूला एक तो पूरा ग्लास लगा हुआ है ना यहाँ पे, मजा आता है। करने आते हैं कहीं सोचेगा तो हंसेगा बट हमें इसी में एंजॉयमेंट मिलता है। दोस्तों अभी भाई जा रहे हैं, उसकी पैकिंग मैंने कर ली है, उसको छोड़ने जा रही है। दोस्तों देख सकते हो कितना पॉल्यूशन है,
इतना ज्यादा। अभी हम जा रहे हैं करण को छोड़ने के लिए। छोड़ने के लिए जा रहे हैं। कामनी क्या कह रही, जीजू कितनी सिगरेट फूंकनी होगी जितनी, मैंने कहा क्या बोल रही है, ऐसा क्या बोल रही है। तब समझ में आया कि उसने संदीप जी ने एग्जांपल दिया था कि यहाँ इस एयर में सांस लेने का मतलब होता है कि 7 सिगरेट्स फूंकने के बराबर है वो। मैंने बोला ये क्या बोल रही है, बोला अगर हम सनरूफ के ऊपर जाएंगे तो हम कितनी सिगरेट फूंकने जितना सांस लेंगे इतना। वही ये बोल रही, मैं सोच रही है हमने सिगरेट कब से फूंकनी स्टार्ट कर। वही मैं डर गई, मैंने कहा यार ये लोग क्या बोल रहे हैं ऐसा। छोटी सी ये 10th में पढ़ने वाली, मैंने कहा क्या बोल रही है। मैंने सर खुजला रही थी, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार ये लोग। फिर समझ आया अच्छा ये उस दिन का एग्जांपल याद करके बोल रही है, बोल नहीं पा रही है। चल करण ठीक है, चल टेक केयर, आई विल मिस यू सो मच। चलो मेरा प्यारा भाई, चला जाओ, जल्दी मिलते हैं चंडीगढ़ में। अब रोना धोना, मैक्स को याद कर देना। तो गाड़ी में बैठ, मैं इसको छोड़ के आ रहा हूँ। ठीक है। अभी हम करण को छोड़ के आ चुके हैं और हमारा बन चुका है यहाँ पे खाना, बनाना नहीं है ऑर्डर कर रखा है। हाँ वही ऑर्डर कर रखा है। और रात के कितने बज रहे टाइम देखो, ये 1:20। और कल हमें जाना है कहाँ, राजस्थान।